मध्य प्रदेश के सियासत की बात करें तो सियासत में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और लगातार चलता रहता है। कोई भी बात हो उस पर लोग अपने एक दूसरे के बयान देते रहते हैं। वहीं बात करें तो अब मध्य प्रदेश में भी बड़े नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आज हमसे बात करने के लिए इस मुद्दे पर जुड़े हैं नरेंद्र सलूजा कांग्रेस प्रवक्ता और राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा जी से। और नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सबसे पहले बात करें कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं और कटनी में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ हमेशा यही कहते रहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा तो लाना पड़ता है। मजबूर आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या करोगे, और मुख्यमंत्री वो होता है जो कह दे कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। कांग्रेस सीएम शिवराज के इस बयान को कैसे देखती है? देखिए, शिवराज जी झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। हाँ, यदि शिवराज जी की भाषा में काम करें तो बात करें तो शिवराज जी ऐसा कहेंगे कि मेरे लिए तो हजारों करोड़ की घोषणा करना आसान बात है, भले खजाने में पैसे नहीं हो, भले लाखों करोड़ का कर्ज हो। अरे आप देखें, 2003 में प्रदेश में 21,000 करोड़ का कर्ज था और आज जो कर्ज है वो 3,00,000 करोड़ पे पहुंच गया है। जितना कर्ज 2003 में था उतनी तो हम ब्याज ही भरते हैं, तो ये स्थिति किसने करी? शिवराज सरकार ने, भाजपा सरकार ने। कर्ज लेके घी पी रहे हैं, वे आप खुद के प्रचार प्रसार महिमा मंडल पे खर्च कर रहे हैं। कर्ज लेके प्रदेश में विकास कार्य नहीं हो रहे, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन रही, कोई काम नहीं हो रहा। कर्ज लेके प्रचार प्रसार अभियान आयोजन हो रहे हैं और कमलनाथ जी ने तो 15 माह के अंदर जो करके दिखाया खाली खजाने से सबको पता है। कन्या विवाह की राशि बढ़ाई, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई, गौशालाएं बनाई, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। तो ये कोई उन्होंने इसको लेके कभी पैसे की तो बात नहीं कही। जो भी बोलते हैं शिवराज जी थी, उनके पास इस तरह का उनका कोई वीडियो बयान हो तो उन्हें सामने लाना चाहिए। लेकिन झूठ परोसना इनकी आदत बन चुकी है और झूठ परोसते रहते हैं शिवराज जी। संबल योजना को लेके भी कहते हैं बंद कर दी, लेकिन कोई आदेश हो तो बताए, हम तो चुनौती देते हैं। ना कभी बंद हुई है ना करी है, बल्कि और 3 गुना ज्यादा राशि दी है। कहते हैं तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, वो भी ज्यादा ट्रेनें चलाई, तो सब झूठ बोलने का काम करते हैं जी। सर, इससे पहले भी सीएम शिवराज ने वोट डालने को लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा था, वहीं इस बार एक बार फिर सीएम शिवराज कमलनाथ पर हमलावर हुए हैं और लगातार सीएम शिवराज कमलनाथ को घेरते हुए देखे गए हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? उनको पता है मुद्दों से कैसे भटकाना। वो कमलनाथ जी हिसाब मांगते हैं 18 वर्ष का, उस हिसाब पर बात नहीं करते हैं। यदि वो बात करें तो वो ये नहीं बताएंगे कि प्रदेश में उनके कारण, उनकी सरकार के कारण लाखों लोग मतदान से वंचित रह गए नगरीय निकाय के पहले चरण में। वो उस लाखों मत पे बात नहीं करेंगे, मतदान पे बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको कैसे मुद्दों पर भटकाना है, कैसे कमलनाथ जी पे बात करना है, ये उनका काम है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी से, और सबसे पहले पूछना चाहूंगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज लगातार कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं और कटनी में भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ हमेशा यही कहते रहते थे कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा तो लाना पड़ता है। मजबूर आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या करोगे? मुख्यमंत्री वो होता है जो कह दे कि असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में ही नहीं है। बीजेपी सीएम शिवराज के इस बयान को कैसे देखती है? भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस प्रकार से लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और ऐसी विषम परिस्थिति में जब वैश्विक स्तर पर कोविड की महामारी थी और कई सारी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई थी, उस समय भी शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर जो काम हमारी सरकार ने किए वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने योग्य काम थे। शिवराज सिंह चौहान जी अगर इस बात को कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार जब 15 महीने की सरकार थी तो उस सरकार में हमने ये देखा कि कमलनाथ जी अपने नाकामी का ठीकरा राजकोष में पैसा नहीं ऐसा कह के फोड़ने का काम करते थे। हमेशा अपने आप को एक मजबूर मुख्यमंत्री बताते थे, हमेशा मध्य प्रदेश में राजकीय कोष में घाटा है, पूर्व की सरकार प्रदेश को कर्ज में करके चली गई है, इस प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम करते थे, इस प्रकार का विलाप करने का काम करते थे। परंतु जब वो हटे और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी, परिस्थिति है विषम स्थितियां थी, आर्थिक परेशानी थी, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के विकास की गति को थमने नहीं दिया। हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों का संबल बन के सरकार खड़ी रही, हितग्राही मूलक योजनाओं को फिर से चालू करा। कई सारी हितग्राही मूलक योजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने जब बंद कर दिया था उनको फिर से हमने प्रारंभ किया। तो ये सब जब करके दिखाने का काम किया तो जो किया है उसी को कहने का काम मुख्यमंत्री जी ने कटनी में किया है।
जो हमने किया उसी को कहने का काम किया और बड़ी बिंदास तरीके से उन्होंने ये बात को कही कि मध्य प्रदेश की जनता मजबूर नहीं मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान को देख रही है, जबकि कांग्रेस के समय में कमलनाथ जी को मजबूत नहीं मजबूर मुख्यमंत्री के रूप में देखा था। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि इच्छा शक्ति से राजनेता जो है वह काम कर पाता है और इच्छा शक्ति का अभाव कमलनाथ जी में था। नेता अपनी नियत की वजह से काम कर पाता है। नियत भारतीय जनता पार्टी की सदैव से गरीब कल्याण की रही, क्योंकि हमारा अंत्योदय का सपना रहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात कही थी। अंत्योदय का अर्थ ही होता है गरीब कल्याण। गरीब कल्याण का अर्थ ही होता है कि जो व्यक्ति आज भी समृद्धि योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में आना चाहता है जी। उसको कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, तो इस दिशा में हरी मूलक योजना है। जैसे जो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन काल में ये नहीं सोच सकता था कि वो कभी आरसीसी का मकान बना पाएगा उसके जीवन काल में, उसको प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना के देने का काम किया। कोई किसान ये नहीं सोच पाता था कि राष्ट्रीयकृत बैंक के कांच का दरवाजा उसके लिए खुलेगा, पर जनधन योजना के माध्यम से जब खाता खुला और उसमें किसान सम्मान निधि का पैसा मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने डालने का काम किया, तो उस राष्ट्रीयकृत बैंक के अंदर भी जाने का स्थान उसे किसान को मिला, उस गरीब व्यक्ति को मिला जो कभी सोच नहीं सकता था कि उसका बैंक में खाता होगा, उसका भी खाता खोलने का काम हुआ। जो महिला एक शर्मिंदगी महसूस करती थी खुले में सोच के माध्यम से, या हमारी बहन बेटी अपने आप को कुंठित महसूस करती थी, उसके लिए शौचालय बना के करोड़ों शौचालय बना के देने का काम सरकार ने किया। तो ये जो हितग्राहियों से जुड़ी हुई सीधी सीधी हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से हमने जो छोटे छोटे परंतु विकास के कार्य किए, जिससे कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति मुख्य धारा में आए और बराबरी का दर्जा पाए, तो ये हमने करने का काम किया। ये जब करने का काम किया तो इसको बताने का काम अब भी कर रहे हैं जी। बता वही पाता है जो करता है कुछ, जो कुछ नहीं करता वो क्या बताएगा। जो रोने रोते रहा, जो विलाप करता रहा, जो ये कहता रहा 18 महीने तक मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पहले की सरकार खजाना खाली कर गई है, उस मजबूर व्यक्ति से क्या उम्मीद करेगी प्रदेश की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, ये सियासत है और सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर और बयानबाजी का दौर तो चलता ही रहेगा। फिलहाल और भी खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आप एमपी न्यूज़।